पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद से श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्रावण मास में श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुंदर कथा के वर्णन के बाद कथा व्यास श्री कपिल देव जी महाराज के द्वारा भक्तों को सनातन के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई। मंगलवार को आयोजित कथा में भक्तमाल तुलसीदास, भक्त सूरदास, भक्त मीराबाई और श्री द्वारकाधीश जी की सुंदर झांकी का दर्शन और पूजन किया गया, तो वही तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई की कथा का भी वर्णन किया गया। इस अवसर पर सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिन पर सभी भक्तगण झूमते नाचते नजर आए। वहीं सभी भक्तगणों ने कथा विश्राम के पश्चात आरती की और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। महाराज अंत में हनुमान जी महाराज भी धीरे धीरे जाने लगे। अब उनके पीछे पीछे तुलसीदास जी भी जा रहे हैं। निर्जन वन में जैसे पहुंचे ना, सोई जा करके तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। प्रभु में आपको पहचान गया, आप तो साक्षात श्री राम के प्रेमी हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए। अब वो खूब छुड़ाए, खूब तिरस्कार करे, खूब उनको डांटे, लेकिन वो छोड़े नहीं। करे तिरस्कार कहीं सके वो नटारी में, मैं तो जाने रास सार रूप धरो जैसे गाय है। मुझे मालूम है आप कितना मेरे को डांटो फटकारो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरे पर कृपा करो, राम जी के दर्शन मुझे कराओ। जब राम जी के दर्शन मुझे हो जाएंगे तभी मैं आपको छोड़ूंगा। कि मांग लीजिए बर कहीं दीजिए राम रूप रूप, और अति ही अनूप नितने ने अभिलाषी पटे रंग गोरे हरे कैसे मन रखिए। कि पाचे हनुमान आए और बोले देखे प्राण प्यारे, और नेगुना निहारे में तो भले फिर बाकी है। इतने सुंदर श्री तुलसीदास जी महाराज, प्रेम प्रकट रसिक जिस रसना काहू ते ना मिल जी। अरे मनीषा अग्रवाल जी, श्री रूपेश अग्रवाल जी, क्योंकि आप हमें मंच पर पधारे और सभी भक्त बालव्यासी आशीर्वाद करें, पूज्य बालव्यासी आशीर्वाद प्राप्त करें। सचलो बड़े ही हर्ष की हर्ष का ये विषय है कि आपके बड़ा जो पीतल नगरी के नाम से विख्यात है श्री महाकालेश्वर धाम, आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से यहाँ बाल रूप की मूर्ति यहाँ पर विराजमान होने जा रही है। साक्षात जो अयोध्या में विराजमान है उसी प्रकार से वही रूप, उसी रूप में भगवान से साक्षात माँ पार्वती रूप में, वैष्णो माँ दुर्गा के रूप में, वह शनिश्चर देव की, वह शनि भगवान की, शिवरापुर वाले शनि भगवान जो कि होने जा रहा है। अब ये महाकालेश्वर धाम आपके मुरादाबाद नगर में, ऐसा मानकर के चलो कि शनि भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ करके अपना अपना भाग लेंगे, तथा